हेलो फ्रेंड्स, जब अशोक वाटिका में हनुमान जी पहुँचे माँ के पास और उन्होंने बताया कि मैं राम का दूत हूँ, राम का भगत हूँ और तेरा पता जानने आया हूँ माँ, तो शुरू में तो माँ ने माना नहीं, पर हनुमान जी ने जब राम जी की रिंग मुंद्री उन्हें दिखाई तो माँ ने उसे देखा, और जब हनुमान जी ने उन्हें पूरी बात बताई तो माँ को पूरा विश्वास हो गया कि ये राम का ही दूत है, राम जी ने ही इसे भेजा है। तो फिर ऐसा हुआ कि हनुमान जी ने माँ से परमिशन लेकर, आज्ञा लेकर फल खाए और फिर उन्हें बांध लिया गया, लंका ले जाया गया महल में रावण के, और पूंछ में उनकी आग लगा दी जो कि उन्होंने जानबूझ के ही लगवाई, और उसी आग से, अग्नि से उन्होंने पूरी लंका को बर्बाद कर दिया, जला दिया, और वापस अशोक वाटिका पहुंच गए माँ के पास और कहने लगे कि माँ अब मुझे चलना होगा क्योंकि प्रभु को फिर वापस आना है, प्रभु राम को जल्दी ही। तो माँ से कहने लगे कि जैसे मैं प्रभु की रिंग लेके आया था और आपने पहचाना, तो मुझे भी आप अपनी कोई पहचान दे दीजिए जो मैं राम जी को दे दूं। तो वो बोले, माँ तुम ही दीजे कछु चिन्हा, जैसे रघुनायक मोहि दीन्हा, चूड़ामणि उतारि तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। तो चौपाई का मतलब है कि हनुमान जी कह रहे माँ से, माँ मुझे कुछ ऐसा सिंबल दे दे, पहचान दे दे जिससे मैं रघुनाथ जी को, राम जी को दिखा सकूं। तो तब माँ सीता ने अपना बैंगल उतार कर, चूड़ामणि बोलते हैं जिसको, हनुमान जी को दिया, एंड हनुमान जी वॉज एक्साइटेड, उन्हें बहुत अच्छा लगा कि माँ ने मुझ पे विश्वास करा है। तो चूड़ामणि उतारे तब दयऊ, हर्ष समेत पवन सतुलयऊ। थैंक्स, थैंक यू फ्रेंड्स।